मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही सच्चाई है। नमस्ते, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने YouTube चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फ़िलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। सारे आ रहे हैं, न्यूज़ वाले सब आ रहे हैं, हो के चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। हाय गाइस, ये मेरे पति हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ लाइन। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही सच्चाई है। और एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि न्यूज़ वाले अलग अलग सवाल कर रहे हैं, जो मैं अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाती, मैं भी थोड़ी थोड़ी लाइनें बोलती हूँ। रही बात कंप्यूटर की, तो मैंने कंप्यूटर ज़िंदगी में चलाया या छुआ तक नहीं है, ना लैपटॉप, ज़िंदगी में लैपटॉप देखा भी नहीं है ज़िंदगी में। तो हाँ, फ़ोन अच्छे से चला लेती हूँ, बहुत अच्छे से फ़ोन चला लेती हूँ, और जो हिंदी बोल लेती हूँ वो इनकी मोहब्बत है। रही बात इस्लाम की, और सब चीज़ें मुझे पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में सब पता है मुझे, पर मैं कहती नहीं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, यही रीज़न है मैं कुछ नहीं कह रही। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी, और हम अच्छे से रह सकें। अभी तक हमारा केस चल रहा है, तो अभी लोगों को मैं, ये जो मुस्लिम लोग कुछ मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, सुबह भी एक आंटी की वीडियो देखी मैंने, बहुत बुरे तरीके से मेरा नाम कह रही थी। कहने दो, उनका भी बनता है कि इस्लाम से मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, तो गुस्सा उनका बनता है। फिर भी उनका धन्यवाद करूँगी उस आंटी का, कि आपने इतनी नफ़रत दिखाई मेरे बारे में। पर मुझे किसी मुस्लिम से कोई नफरत नहीं है, और ना ही किसी हिंदू से कोई इतराज़ है। हिंदू धर्म से सब मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, पर कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ़ हैं। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तान की मैं बेटी रही हूँ, इतना गलत मत बोलो मेरे बारे में, मैं भी औरत हूँ, मैं भी दिल रखती हूँ। कुछ न्यूज़ वाले मुझे चढ़ा चढ़ा के गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात सिम और फ़ोन की, तो मेरे बच्चों के फ़ोन थे, उन्हें मैं सिम चलाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, और सपोर्ट से ही वो नेट चलाते थे, क्योंकि कराची में, पाकिस्तान में 7 दिन का पैकेज होता है, 30 GB मिलते हैं उसमें, तो वो बहुत बड़ा, 7 दिन में हम खर्च भी नहीं कर पाते थे, 3-3 फ़ोन वाले चलाते थे। तो और रही बात आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड जो आईडी कार्ड मेरा था, एक मेरा, एक मेरे पापा का, और एक जो मेरे पति हैं एक्स उनका था, कोई 3 ID कार्ड मेरे नहीं है, मेरा एक ही ID कार्ड था। और एज की बात है, तो ये नॉर्मल है, हर कोई 3 से 4 साल कम अपनी एज लिखवाता है ID कार्ड में, मेरा भी यही था। ये पाकिस्तान में आम चलता है, तो लोग इन बातों को गलत गलत करके कह रहे हैं, ऊपर वाला जानता है सच क्या है, और एक दिन सबके सामने भी आएगा। धन्यवाद, तुम भी बोलो। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।